हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सपन, आप देख रहे हैं टेक्निकल विश्वा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आईफोन में पासकोड प्रोटेक्टेड या फिर पासकोड डिसेबल हो चुका है, उसमें कैसे कॉल एंड डाटा को फिक्स कर सकते हो, यानी कि यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, आपके लिए एक टूल लेकर आया हूँ जिसका नाम है आई पासकोड। इसका जो वर्जन है वो है 1.3 और इसका जो MB का साइज़ है वो लगभग 40 MB का है। मैंने इसको डाउनलोड कर चुका हूँ और एक्सट्रैक्ट भी कर चुका हूँ। आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल होना ज़रूरी है, चाहे वो 32 बिट का हो या फिर 64 बिट का हो, आपके सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल ज़रूरी होना चाहिए। और उसके बाद आपके आपके सिस्टम में आईट्यून भी इंस्टॉल होना ज़रूरी है। पाइथन को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, तो यहाँ पे एक इमेज शो कर रहा है जो कि आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है किस तरह से आपको जो कि पाइथन को इंस्टॉल करना है। तो इस इंस्ट्रक्शन को देख के आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हो इजीली। और उसके बाद क्या करना है, इस टूल को कैसे यूज़ करना है तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या है, आई क्लाउड बाईपास एस पासकोड एंड गेट सिम वर्क। तो ये क्या बता रहा है, मेक श्योर यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल आईट्यून्स एंड पाइथन। क्या बता रहा है, आईट्यून एंड पाइथन को दोनों को इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा आपके सिस्टम में। फिर क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, सेटअप टू गेट सिम वर्किंग, मेक श्योर योर डिवाइस ऑन डिसेबल मोड या और पासकोड मोड आई क्लाउड लॉक। यानी कि क्या बता रहा है कि आपका फ़ोन डिसेबल हो चुका है या फिर पासकोड मोड पे है और उसमें आई क्लाउड भी लगा है, तो आप क्या करेंगे, ये देखिए, फॉलो डिस सेटअप। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे क्या बता रहा है, यू मेक जेलब्रेक यूजिंग चैक्रेन फर्स्ट। सबसे पहले तो आपको चैक्रेन से फ़ोन को जेलब्रेक करना पड़ेगा। मेक श्योर यू सी डाटा एंड फाइल ऑन मैजिक फोल्डर 3 और 4, इसमें आपका जो वो सेव हो जाएगा, आपका जो फाइल है वो सेव हो जाएगा। और क्या बता रहे, फिर रिस्टोर रिस्टोर डिवाइस एंड जेलब्रेक अगेन। पहले रिस्टोर करना पड़ेगा आईट्यून से, उसके बाद इसको जेलब्रेक भी करना पड़ेगा जो कि चैक्रेन से। और इसके बाद क्या बता रहा है कि देखिए, गेट एक्टिवेशन फाइल, और उसके बाद 2 टाइम्स फॉर कम्प्लीटली बैकअप एक्टिवेशन फाइल। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके बताता हूँ। और देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, एक्टिवेशन डिवाइस डाटा प्लस कॉल, इसको आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले तो आपको टूल को ओपन करके दिखाता हूँ। तो इस टूल में बहुत सारे फीचर भी दे रखा है, ये देखिए, यहाँ पे आप आई क्लाउड को बाईपास भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको फ़ोन को जेलब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आप वन क्लिक में जो कि iOS 12.4.4 फिर 13.2.3 तक, यहाँ से इस वन क्लिक में इसका आई क्लाउड बाईपास कर सकते हो ऊपर वाले ऑप्शन से। और नीचे वाले ऑप्शन से जो कि 13.3 से 13.4.5 तक, यहाँ से वन क्लिक में इसका आईक्लाउड बाईपास कर सकते हो। जैसे कि आपका फ़ोन जो कि डिसेबल हो चुका है पासकोड या फिर पासकोड मोड पे है, या फिर आपका जो कि फ़ोन जो जो कि आपके उसका पासकोड को भूल चुके हैं, तो आप यहाँ से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको फ़ोन को जेलब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको गेट एक्टिवेशन फाइल पर जाना पड़ेगा। जब ये गेट एक्टिवेशन फाइल पर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, ये मैजिक फोल्डर है, यहाँ पे आपका जो कि डाटा यहाँ पे सेव हो जाएगा, तीसरे नंबर फोल्डर पे या फिर चौथे नंबर फोल्डर पे यहाँ पे सेव हो जाएगा। तो दोनों में से आप देख लेना किस में सेव होता है, ये पर दिखा देता हूँ आपको। तो दोनों में से किसी ना किसी पे सेव हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, जब ये सेव हो जाएगा उसके बाद आपको करना है एक्टिवेशन डिवाइस डाटा प्लस कॉल। यहाँ पे जब ये आप क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल जो कि फिक्स हो जाएगा, फिर आप वहाँ पे कॉल एंड डाटा को यूज़ कर सकते हो अपने डिसेबल डिवाइस पे। तो दोस्तों, मेरे पास जो कि कोई डिसेबल फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मेरा शॉप बंद है और आई जो कि लॉकडाउन के वजह से मैं शॉप में जा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं घर पर ये वीडियो बना दिया हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों में शेयर करना। हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस, मिलते किसी अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।